पास्टर फहद उर्दू सहार चश्की गलीसिया को और अपने तमाम सुनने वाले साहबीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जिसने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम एक दफा फिर वहां मिलकर एक दिन होकर खुदावंत के कलाम की तरफ एक कदम और आगे बढ़े और खुदावंत की पहचान में तरक्की करें। आमीन। अजीजों, मैं चाहूंगा कि आज मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब और उसका छठा बाब। हम बाइबल के एक बड़े ही मशहूर कैरेक्टर का जिक्र करेंगे आज। मैं चाहता हूं कि चंद एक बातें हैं जो आप गौर, जिन पे आप गौर करें। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसका छठा बाब, पांचवीं आयत से लेकर नौवीं आयत तक। खुदावंत के कलाम में लिखा है, और खुदावंत ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंत ने जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलाल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंत ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान और रिंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलाल हूं। मगर नूह खुदावंत की नजर में मकबूल हुआ। नौवीं आयत। नूह का रसनामा यह है कि नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदावंत के पाक नाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंत के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए हम कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंत के हजूर में लाएं, अपनी सोचों को, अपने दिल को खुदावंत के हजूर में रखें और पाकरू को मौका दें कि वो आज हमसे हम कलाम हो, हमसे बात करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंत आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त और इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम सब वहां मिलकर एक दफा फिर आपके हजूर में हाजिर हों। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। हम अपने आप को हर दुनियावी सोच और ख्याल से खाली करते हैं, हम मिन्नत करते हैं खुदावंद अपने बच्चों से हम कलाम होइए, हमसे बात कीजिए और अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी तकवीयत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। अजीजों, पैदाइश की किताब पुराने अहदनामे की पहली किताब, बल्कि पूरी बाइबल की फहरिस्त की पहली किताब, और आप सब जानते हैं, तमाम बाइबल स्टूडेंट्स इसकी फहरिस्त से बखूबी वाकिफ है। मतलब उस चीज का जिक्र करना या उस चीज को डिस्कस करना वो कोई इतना जरूरी नहीं है। और इस किताब का नाम अगर आप इब्रानी बाइबल देखें, हमारे पास तो जो इंग्लिश बाइबल और उर्दू बाइबल है वहां पर उसका नाम इंग्लिश में जेनेसिस और उर्दू में पैदाइश है, जो कि ग्रीक वर्ड की ट्रांसलेशन है। लेकिन इब्रानी में पहली किताब का नाम ही बेरेशित, और ये यहूदी राइटिंग स्टाइल था कि जिस लफ्ज से उस जुमले का आगाज हो रहा है उसी लफ्ज से उसका टाइटल दे दिया जाता है। चूंकि पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर की पहली लाइन में लफ्ज ये है कि इब्तदा में, लिहाजा इब्रानी जुबान में बेरेशित, और यही उस किताब का टाइटल है। और यह पैदाइश की किताब जो हम इसका मुताला करते हैं, इसमें हमें हर चीज का आगाज मिलता है, तखलीके कायनात का आगाज मिलता है, इसमें हमें टाइम का आगाज मिलता है, इसमें हमें जिंदगी का आगाज मिलता है, इसमें हमें मौत का आगाज मिलता है, इसमें हमें कौमों का और कबीलों का आगाज मिलता है, इसमें गुनाह का आगाज मिलता है। हर एक चीज की बिगनिंग इसी बुक से मिलती है। और जब हम पैदाइश की किताब का मुताला शुरू करते हैं, पैदाइश की किताब का नाम लेते ही चंद एक मशहूर करैक्टर हमारे जहनों में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम जैसे पैदाइश का किताब का नाम लेते हैं, इब्राहिम का करैक्टर, इसहाक का करैक्टर हमारे जहन में आ जाता है। हम जैसे पैदाइश की किताब का जिक्र करते हैं, यूसुफ का करैक्टर हमारे सामने आ जाता है। और वैसे ही जब हम पैदाइश की किताब का जिक्र करते हैं तो इस करैक्टर का नाम भी हमारे जहनों में आ जाता है, जिसका नाम नूह है। नूह की कहानी से हम सब लोग वाकिफ है, एवरीबॉडी नो, हर वो जो बाइबल की स्टडी करता है, कलाम मुकद्दस को पढ़ता है, या वो बच्चे जो संडे स्कूल जाते हैं, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। हम सब लोग नूह के करैक्टर से, नूह की फैमिली से, नूह के बच्चों से, नूह के खानदान से और उस टाइम फ्रेम से बाखूबी वाकिफ है।
नूह की कहानी, इट्स अ वेरी फेमस संडे स्कूल से ये कहानी चलती जाती है और बड़े होने तक, बालक होने तक, मैच्योर होने तक हम कुछ ना कुछ इस कहानी में से मुसलसल सीखते आए हैं और सीखते रहेंगे। इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। लेकिन मैं आज पैदाइश की किताब में से और किसी कैरेक्टर को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ यही एक कैरेक्टर जिसका नाम नूह है। ही इज अ मैन ऑफ गॉड। अरे ये सिर्फ मर्द खुदा नहीं है बल्कि ये एक जबरदस्त बाप भी है। ही इज अ फैमिली मैन। जैसे कि नेक्स्ट संडे 21 जून को फादर्स डे है, अगरचे आज का सर्वन इसलिए नहीं है चूंकि फादर्स डे है, आज फादर्स डे नहीं है, फादर्स डे 21 जून को है और हम सब फादर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं जैसे मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाए, इससे पहले कि आप एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करें, एक दूसरे को विश करें, इससे पहले कि 21 जून आए और फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाए, मैं चाहता हूं कि आज एक करदार से मिलिए जिसका नाम नूह है। अरे ये मर्द खुदा भी है एंड ही इज अ फैमिली मैन। ये खुदावंद का बंदा है लेकिन उसके साथ साथ ये एक बाप भी है, ये एक शौहर भी है। बीइंग अ फादर, बाप होते हुए इस शख्स से मिलिए और इसकी खूबियों पे गौर कीजिए और देखिए ये किस तरह से एक कामयाब बाप साबित हुआ है। एक कामयाब बाप होने के लिए क्या क्या जरूरी है? वो बाप जो खुदावंद की नजर में मकबूल हो, खुदावंद जिसको पसंद करता हो, उसे किन खूबियों का मालिक होना चाहिए, क्या करदार होना चाहिए, कैसी नेचर होनी चाहिए। मैं जब नूह से मुलाकात करता हूं तो तीन बातें हैं, तीन पॉइंट्स हैं जो इस पैसेज के अंदर मेरे सामने आए। मैं वही तीन पॉइंट्स आपके सामने भी रखना चाहता हूं और हमेशा की तरह मैं इस बात को दोहराऊंगा, फकत इन्हीं तीन नुक्तों पर तकिया मत कीजिए, खुद से भी कलाम मुकद्दस का मुताला कीजिए, पढ़िए, गौर कीजिए, देखिए इन बातों को और फिर देखिए खुदावंद का रूह किस तरह से आपके दिल की आंखों को रोशन करता है। तीन पॉइंट्स, तीन बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, वॉक खुदा के साथ, इसका चलना। दूसरा पॉइंट, विटनेस, खुदा का गवाह था ये। और तीसरा पॉइंट, विनर। वॉक, विटनेस एंड विनर, हम इन तीन नुक्तों पर गौर करेंगे, इन तीन बातों को अपने सामने रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, वॉक। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि खुदावंद ने जब रूए जमीन पर निगाह की, खुदावंद ने देखा, खुदावंद ने गम किया, वो इंसान बनी, वो इंसान की हालत को देख के गमजदा हुआ, वो दुखी हुआ। लेकिन खुदावंद बनी इंसान की यह हालत देख के खामोश नहीं रहा। इससे पहले कि नूह जो अपने तीन बेटों का बाप है, किसी का शोहर है, आप उससे मुलाकात करें, आप आसमानी बाप के तौर तरीके को देखिए, आसमानी बाप से मिलिए, आसमानी बाप का देखो अंदाज कैसा है। अरे उसने देखा, उसने दुख किया और उसने रिस्पॉन्स किया, उसने कहा, वो बोला, वो खामोश नहीं रहा। आसमानी बाप अपने बच्चों पर निगाह करता है, उनके ऊपर नजर रखता है, उनके तौर तरीके, उनका बोलचाल, उनका आना जाना, उनका उठना बैठना, हर एक चीज पर आसमानी बाप नजर रखता है। अरे ये एक बाप की खूबी है, वो अपने बच्चों पर नजर रखता है, उनके आने जाने, उठने बैठने, उनके रवैये, उनके तौर तरीकों को अपनी निगाह में रखता है। आसमानी बाप ने जब बनी नौ इंसान पर निगाह की तो वो दुखी हुआ, वो डिस्टर्ब हुआ, वो अपसेट हुआ, क्योंकि बनी नौ इंसान के काम ऐसे नहीं थे जैसा आसमानी बाप चाहता था। लेकिन वो इनके कामों को देख के वो खामोश नहीं रहा। अरे वो ऐसा बाप, ऐसा आसमानी बाप है जो रिस्पॉन्स करता है, वो खामोश नहीं रह सकता, वो मुसलसल मुदाखलत करता है, वो मुसलसल अमल दखल करता है, वो मुसलसल बात करता है, रोकता है, टोकता है, मुसलसल कोशिश में लगा रहता है कि इंसान किसी ना किसी तरह फिर से राह रास्त पर आ जाए। दिस इज द मैसेज फॉर एवरी फादर, हर एक बाप के लिए। अगर चाहे आज फादर्स डे नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप फादर्स डे को सेलिब्रेट करें, इससे पहले कि आप फादर्स डे वाले दिन एक दूसरे को विश करें, एक बाप से मिलिए और गौर कीजिए कि एक जमीनी बाप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए।
दिस इज वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाप अपने बच्चों पर नजर रखे, उनके आने जाने, उनके उठने बैठने, उनके बोल चाल, उनके तौर तरीकों को अपनी निगाह में रखे। और अगर वो अपने बच्चों में कोई ऐसा बुरा काम, कोई ऐसी बुरी इबादत या कोई ऐसा बुरा एटीट्यूड देखे जिसे देखकर उसे दुख हो, वो रंजीदा हो, तो ऐसी सूरत हाल में बाप को करना क्या चाहिए? अरे वो खामोश ना बैठे, वो बुत ना बन जाए, या हालात के साथ कंप्रोमाइज ना करे। He should speak. अरे उसको बोलना चाहिए, उसको मुदाखलत करनी होगी, जैसा आसमानी बाप जब बनी नो इंसान के तौर तरीकों पर निगाह करता, दुख होता, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश नहीं बैठता, बल्कि खुदा उनका कलाम हमें बताता है, खुदा उनने कहा, वो बोला, उसने रिस्पॉन्स किया, उसने एक्ट किया। बड़ा जरूरी है कि जब बाप अपनी औलाद को निगाह में रखे, नजर में रखे, और जब उन औलाद का रवैया, औलाद का एटीट्यूड, औलाद का तौर तरीका बाप को नागुजर गुजरे तो वो खामोश ना रहे। ही शुड रिस्पॉन्स। अरे उसको कुछ ना कुछ कहना होगा, उसको कोई एक्शन लेना होगा, उसको कुछ अमल करना होगा, लेकिन खामोश नहीं बैठना होगा। खुदा उनने निगाह की, नू उसकी नजर में आया। इससे पहले कि नू खुदावंद के साथ चलता, देखो नू के ऊपर फजल हुआ, खुदावंद ने इसको कॉल की। खुदावंद की जात ही ऐसी है, वो हमेशा पहल करता है, वो नाम लेके पुकारता है। नू के ऊपर फजल हुआ कि खुदावंद ने इसको पुकारा, खुदावंद ने इसको चुना, खुदावंद हमेशा पहल करता है। इब्राहिम से मिलिए तो वो भी यही कहेगा, हाँ मुझे खुदावंद ने चुना, खुदावंद ने पहल की। अरे खुदावंद पहल करता है। साउल से मिलिए तो साउल भी कहेगा, हाँ खुदावंद ने पहल की, खुदावंद ने मुझे नाम लेके बुलाया। मिलिए से कहीं से तो वो भी यही कहता है, अरे मैं खुदावंद की राह रखता, खुदावंद ने मुझे नाम लेकर बुलाया, खुदावंद की तरफ से फजल हुआ, खुदावंद ने पहल की और खुदावंद ने इसको बुलाया। अरे वो जो खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, उनका चाल चलन, उनका तौर तरीका, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, सब कुछ बदल जाता है। इस शख्स ने खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दिया, अब इसका अंदाज़े जिंदगी बदल गया, और इसका इस बदले हुए अंदाज़े जिंदगी ने ना सिर्फ इसकी सोसाइटी पर असर डाला, इसके खानदान पर भी असर डाला। इसकी बीवी मुतासर हुई इसके बदले हुए अंदाज से, इसके बच्चे मुतासर हुए इसके बदले हुए अंदाज से। इसका मतलब यह कि अगर खानदान में बाप खुदा के साथ चलने वाला हो तो उसका यह अंदाज खानदान और बच्चों के ऊपर असर अंदाज होता है। यह खुदावंद के साथ चलता, अरे खुदावंद के साथ चलना आसान नहीं है, खुदावंद के साथ चलने के लिए ईमान रखना होगा, और जब ईमान रखा जाता है तो खुदावंद का खौफ दिल में आता है, और जब खुदावंद का खौफ दिल में आता है तो इंसान खुदा की ताबेदारी में रहता है। इसका मतलब ये, ही वॉज फेथफुल, ही वॉज गॉड फियरिंग एंड ही वॉज ओबीडियंट। ये तीन चीजें इसके किरदार में थी, इसके करेक्टर में थी। अरे वो ईमानदार था, रास्तबाज था, खुदावंद के खौफ में रहता था और खुदावंद का ताबेदार था। ये तीन चीजें इसके किरदार का हिस्सा बन गए। वो जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, खुदावंद का खौफ उनके दिल में रहता है, और जिनके दिल में खुदावंद का खौफ रहता है, अरे वो खुदावंद के ताबे में रहते हैं, खुदावंद की ताबेदारी करते, उसके हुक्मों पर चलते हैं। सिमहान याफ्त के इसके तीनों बेटे अपने बाप के इस बदले हुए रवैये से बड़े मुतासर थे। नूह की बीवी अपने शोहर के बदले हुए रवैये से बड़ी मुतासर थी। वो लोग जो खुदा उनके साथ चलते हैं, अरे उनका असर उनके बच्चों पर, उसकी बीवी पर होता है, खानदान मुतासर होता है, इंप्रेस होता है। और इसका यह बदला हुआ चाल ढाल सिर्फ सोसाइटी में नहीं था, ये जैसा बाहर था ये वैसा ही घर था, ये घर के अंदर भी वैसा ही था, ये बाहर भी वैसा ही था।
सब लोगों के सामने इसकी बदली हुई जिंदगी एक मिसाल थी, एक नमूना थी। ऐसा करैक्टर अपने खानदान, अपने बच्चों के सामने एक मिसाल, एक नमूना बन जाता है। वो जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, खुदावंद उनकी औलाद को दुनिया में गुमराह नहीं होने देता, दुनिया में भटकने नहीं देता, बल्कि खुदावंद उनके बच्चों को दुनिया में चलने के लायक और काबिल बना देता है। आमीन। नूह खुदावंद के साथ साथ चलता था, और एक बाप जो खुदावंद के साथ साथ चलता हो, उसका ऐसा अंदाज, ऐसा तौर तरीका, ऐसा तर्ज जिंदगी औलाद को, खानदान को मुतासिर करता और एक मिसाल छोड़ जाता है। पहली बात, वॉक, ये खुदावंद के साथ चलता था। दूसरी बात, विटनेस, ये गवाह था। वो लोग जो खुदावंद के साथ चलते हैं वो खामोश नहीं रहते, जिन्हें चुप कीते रहते हैं वो फिर खुदावंद के साथ नहीं होते, वो शायद दावा तो करते हो लेकिन खुदावंद के साथ नहीं होते। ये खुदावंद के साथ चलता था, लेकिन ये गवाह भी तो इसने गवाही देनी शुरू कर दी। अरे इसके पास टेस्टिमनी थी, ये जानता था कि मुस्तकबिल में रूह जमीन पर होने के वाला, खुदावंद ने इसके ऊपर एक भेद को खोला। अब इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस भेद को अपने सीने में दफन ना रखे, बल्कि बाहर निकले और शेयर करे। सिर्फ बाहर सोसाइटी में कलाम नहीं सुनाना, रहे अपने घर से शुरू कर, अपने बच्चों को लेके बैठ, अपनी बीवी को लेके बैठ, क्योंकि ये सिर्फ गवाह, ये सिर्फ एक प्रीचर नहीं बल्कि एक शोहर भी है और एक जबरदस्त बाप भी है। बहसियत बाप, बहसियत शोहर, इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि कलाम सिर्फ बाहर नहीं सुनाना। अरे तू कलाम का ये काम, खिदमत का ये काम अपने घर से शुरू कर। जो गहरे भेद की बातें खुदावंद ने इसके ऊपर जाहिर की, इसने खुदावंद की वो गवाही अपने बेटों से शेयर की, अपनी बीवी से शेयर की, इसने वही कलाम बाय सोसाइटी वालों से शेयर किया, इसने लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में इस दुनिया का हाल क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर। अरे वो लोग, उस शहर के लोग, उनको कोई गर्ज नहीं था कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में क्या होगा। उन्हें कोई गरज नहीं थी कि नू किस खुदा की बात करता है। अरे हमारे पास तो बहुत सारे खुदा हैं। वो लोग इसकी बातें सुनते, इस पे हंसते, तंज करते, इसको टॉन्ट करते। इसके बेटे अपने बाप का ये रवैया देखते थे। इन बच्चों ने अपने बाप को देखा कि हमारा बाप गालियां सुनता, ताने सुनता, लेकिन बदले में वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे ये लोग उससे रवैया रखते हैं। ये बेटे अपने बाप के इस बदले हुए रवैये से बेहद मुतासिर थे। नूह खुदावंद का गवाह था, ये कोई डीप थियोलॉजी रखने वाला शख्स नहीं था। खुदावंद ने जो बातें इसके दिल में डाली, अरे खुदावंद ने जो भेद इसके ऊपर जाहिर किए, इसने वही बातें अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घर वालों से और अहले इलाका से, अपने शहर के लोगों से शेयर करना शुरू कर दिए। यह मुमकिन है कि हर जगह यह शख्स कलाम ना सुना सकता हो। अरे बथेरी जगहों पर इस प्रीचर ने, इस गवाह ने, इस बाप ने अपने बोल चाल से, अपने मुस्बत रवैये से, अपने चाल चलन से, अपने एटीट्यूड से प्रीच करने की कोशिश की हो। इसकी पूरी कोशिश थी कि जहां तक हो सके गुमराह रूहों को पकड़ा जाए, उनसे मिला जाए, उनसे बात की जाए और मुमकिन हद तक उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। गवाह ऐसे ही होते हैं। गवाह के लिए, एक विटनेस के लिए बड़ा जरूरी है कि उसका ईमान मजबूत हो। ये गवाही देता था, प्रीच करता था, लोग ही हंसते सन, वो टॉन्ट करते, ताने मारते थे, लेकिन ये कहीं पे भी बेदिल नहीं हुआ। खुदावंद ने जो असाइनमेंट इस शख्स को दी, ये वफादारी से, ईमानदारी से उस असाइनमेंट को पूरा करता रहा। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 120 साल लगे कश्ती बनाने में और 120 साल ये काम करता रहा और प्रीच करता रहा, ये मेहनत करता रहा और प्रीच करता रहा। एक दफा भी ये शख्स कहीं पे मायूस, ना उम्मीद और बेदिल नजर नहीं आया। ये वफादारी से और मुस्तकिल मिजाजी से उस काम की तकमील में जुटा रहा, लगा रहा। अरे जो काम खुदावंद ने इसके सुपुर्द किया था, दुनिया कुछ भी कहे, लोग कैसी भी बातें करें, लेकिन ये शख्स बेदिला हुआ। एक विटनेस की स्पिरिट ऐसी ही होनी चाहिए, उसका ईमान में मजबूत होना बड़ा जरूरी है।
ये ईमान में मजबूत था, इसके बच्चों ने, इसकी बीवी ने इसका ये मजबूत ईमान देखा था। अरे वो अपने बाप के रूहानी लेवल से बखूबी वाकिफ थे। इधर बच्चे इधर ताबेदार सन, इसके बच्चे इसकी फरमा बरदारी करते थे, और वो इसलिए फरमा बरदारी करते थे क्योंकि उन्होंने अपने बाप को आसमानी बाप की फरमा बरदारी करते हुए देखा था। ये बच्चे गवाह थे अपने बाप के, इन्होंने अपने बाप का मुस्बत रवैया, इन्होंने अपने बाप की वफादारी, इन्होंने अपने बाप की मेहनत और अपने बाप का यह बदला हुआ चाल चलन देखा था। और एक बाप जो खुदा उनके साथ चलता है वो अपने खानदान अपनी औलाद पर एक गहरा असर छोड़ता है। दुनिया बेशक इसकी पैरोकार ना हुई, इसकी बातों पर यकीन ना किया, लेकिन इसके खानदान ने इसकी बातों पर यकीन किया। ये गवाह था और ये गवाही देता रहा, अपने चाल चलन से, अपनी बातों से ये प्रीच करता रहा, हर मुमकिन हद तक ये प्रीच करता रहा। और वो जो खुदा उनके साथ चलते हैं, खुदा उनकी औलाद के साथ चलता है, खुदा उसके बच्चों को थामे रखता है। वो लोग जो खुदा उनके हजूर में मुश्किल वक्त में घुटने टेक कर आंसू बहाते हैं, खुदावंद उस शख्स को दुनिया में आंसू नहीं बहाने देता। सिमहाम याफ्त ने अपने बाप को देखा था कि किस तरह से हमारा बाप मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में इंसानों के आगे नहीं गिड़गिड़ाता, किसी इंसान के आगे घुटने नहीं टेकता, बल्कि जब जब वो परेशान नजर आता, जब तक जब जब वो मायूस नजर आता, जब जब वो खौफजदा और हालात और माहौल में घिरा हुआ नजर आता, हमें तो हमारा बाप घुटनों के बल होकर आसमान की तरफ अपने हाथ उठाते हुए खुदा उनके हजूर में गिरे और जारी करता, रोता और आंसू बहाता हुआ नजर आता है। उसके बच्चों ने अपने बाप से इस मिसाल को लिया, इस सबक को लिया कि जब जब जिंदगी में मुश्किलात आए, जब जब जिंदगी में कठिन सूरत हाल दरपेश हो, अरे तुम किसी इंसान के सामने घुटने मत टेकना, तुम किसी इंसान के सामने गिरे और सारी मत करना, बल्कि अपने घुटने आसमानी बाप के हजूर में टेक कर अपने हाथों को बुलंद करके आंसुओं से अपनी आहो पुकार, अपनी फरियाद, अपनी मिन्नत मुनाजात को उसके हजूर में रखो। अरे वो ही है जो तुम्हारी मन्नतों को पूरा कर सकता है। आमीन। ये बाप अपने खानदान, अपने घर में एक जबरदस्त मिसाल छोड़ गया। व्हाट अ फादर। ये सिर्फ मैन ऑफ गॉड नहीं था, ही वॉज अ ग्रेट फादर। पहली बात वॉक, दूसरी बात विटनेस, और तीसरा पॉइंट विनर। मैं जब नूह की जिंदगी पे गौर करता हूं, मुझे ये शख्स कामयाब नजर आता है। ही इज अ सक्सेसफुल फादर। ये कामयाब बाप है, ये हमें खुदावंद के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये खुदावंद की गवाही देता हुआ नजर, दलेरी से गवाही देता हुआ नजर। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे इस बात की परवाह नहीं है, ये दलेरी से मसीह की, खुदावंद की गवाही देता आ रहा है कि मुस्तकबिल में होगा क्या, रहे तौबा करो, तौबा की मनादी करता आ रहा है। लोग ताने देते, हंसते थे, टॉन्ट करते थे, कोई परवाह नहीं जमाने की। मैं जब इससे मिलता हूं, मैं जब इसकी तर्ज जिंदगी, इसके लाइफ स्टाइल, इसकी प्रीचिंग, इसकी हिंदू पे गौर करता हूं, मेरे नजदीक ये कामयाब शख्स है। अगर चाहे इसकी गवाही से कोई रू ना बची, अगर चाहे इसकी गवाही के वसीला से लोग ईमान ना लाए, अगर चाहे इसकी गवाही के वसीला से लोगों की ना सोच बदली, ना दिल बदले, अगर चाहे इसकी गवाही की वजह से इसके इलाके में, इसके गांव में, इसके शहर में कोई रिवाइवल ना आया, लेकिन ये इसलिए कामयाब है क्योंकि इसकी गवाही की वजह से इसका पूरा खानदान बच गया। आमीन। व्हाट अ प्रीचर। मेरे नजदीक ये कामयाब बाप, ये कामयाब प्रीचर है। ही इज अ सक्सेसफुल प्रीचर एंड ही इज अ सक्सेसफुल फादर। आज दुनिया में आपको बथेरे कामयाब प्रीचर्स मिल जाएंगे जो दुनिया भर में मीटिंग्स करते, सेमिनार्स करते, कन्वेंशंस करते, तालीमी क्रूसेड्स, तालीमी जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस उन खादमीन के खानदान, अरे वो खानदान, वो बच्चे अपने वालिद, अपने शोहर से बहुत दूर है। एक बहुत बड़ा खला, एक बहुत बड़ा गैप है। ऐसे खादमीन, ऐसे प्रीचर्स दुनिया में तो कामयाब है, लेकिन अपने घर में फ्लॉप है, क्योंकि औलाद वो था
ताबे में नहीं, और बीवी अरे उसके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। ऐसे खादिम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं लेकिन अपने घर के प्लेटफॉर्म पे दे आर फ्लॉप। लेकिन कामयाब प्रीचर वो है जो बेशक दुनिया में कामयाब ना हो पाए, शायद लोग उसको एक अच्छा प्रीचर ना समझते हो, शायद उसकी दलीलें किसी को कायल ना कर पाए, लेकिन अपने घर में वो कामयाब हो, अरे उसकी औलाद उसके ताबे हो, उसकी बीवी उसकी इज्जत करती हो, ही इज अ सक्सेसफुल प्रीचर एंड ही इज अ वंडरफुल फादर। लोकी पावे नूदी इज्जत ना करते हो, लोकी पावे नू कुछ ना समझते हो, लेकिन उसके बेटे उसको ऑनर देते, उसकी रिस्पेक्ट करते, उसकी इज्जत करते, उसकी ताबेदारी करते, उसकी बीवी अपने शोहर को ऑनर देती, रिस्पेक्ट देती, उसको इज्जत देती, क्योंकि वो अपने शोहर से और उसके बच्चे अपने बाप के रूहानी लेवल से बाखूबी वाकिफ थे। ये शख्स कामयाब बाप साबित हुआ, ये कामयाब प्रीचर साबित हुआ, क्योंकि इसने अपनी प्रीचिंग से अपने पूरे खानदान को बचा लिया। व्हाट अ प्रीचर एंड व्हाट अ फादर। मैं जब नू की जिंदगी पे गौर करता हूं, तीन बातें इसके कैरेक्टर में, तीन और पॉइंट्स इसके कैरेक्टर में है, जल्दी से उन पॉइंट्स को देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ही इज अ प्रोवाइडर। ये एक अच्छे बाप की तरह अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए मुहैया करने वाला था, उनको प्रोवाइड करने वाला था। ये मुसलसल अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी के लिए मुशक्कत करने वाला शख्स था, ये मेहनती शख्स था, और मेहनती का हाथ उसको इज्जत बख्शता है। दैट इज द रीजन कि इसकी औलाद भी इसको सलूट करती, ऑनर देती, इसकी बीवी भी इसको इज्जत देती। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही इज अ हार्ड वर्किंग फादर। अरे ये सख्त मेहनत और मुशक्कत करने वाला था, और इस मेहनती बाप का सिला इसको यह मिला कि औलाद इसकी ताबे थी, औलाद इसको इज्जत देती थी। आज अगर तेरा बाप मेहनती है, अरे वो मेहनती, वो मेहनत करने वाला शख्स है, तो क्या इस मेहनत करने वाले शख्स को ऐसा सिला मिल रहा है जिसका वो हकदार है? क्या ये औलाद अपने बाप के ताबिया है? कि ये औलाद अपने बाप को जो एक मेहनत करने वाला शख्स है वैसे ही ऑनर और रिस्पेक्ट देती है? मिलिए नू से, ही वॉज अ प्रोवाइडर। अरे वो अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए मुहैया करने वाला शख्स था, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। दूसरी बात, ही वॉज अ प्रोटेक्टर, वो तहफ्फुज़ फ्राहम करने वाला था। इसने अपने खानदान के तहफ्फुज़ के लिए उनके दरमियान तौबा की मुनादी की। जो मैसेज खुदावंद ने दिया इसने अपने बच्चों से शेयर किया, जो मैसेज को खुदावंद से मिला इसने अपनी बीवी से शेयर किया, वही मैसेज इसने शहर में भी शेयर किया। शहर के लोगों ने इसकी बात, इसकी दलीलों पे तकिया ना किया, गौर ना किया, कबूल ना किया, लेकिन इसके बच्चों ने और इसकी बीवी ने इसकी बातों को कबूल कर लिया। बीइंग अ प्रोटेक्टर, मुहाफिज होते हुए इसने अपने खानदान का तहफ्फुज़ किया और सबको बाहिफाजत कश्ती के अंदर ले गया। Being a father, आज आपके ऊपर भी responsibility है। Being a father, you are a protector. अरे आप अपने खानदान, अपने बच्चों और अपनी बीवी का मुहाफिज हो, जिस तरह नूह ने अपने बच्चों, अपने खानदान, अपनी बीवी का तहफ्फुज ये किया कि उन्हें जमा करके कश्ती में ले गया। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आज आप अपने बीवी और अपने बच्चों को कश्ती में नहीं, खुदा उनके घर में ला सकते हो। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन अगर आप एक शौहर की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से अपने पूरे खानदान को जमा करके उन सबको खुदा उनके हजूर में इकट्ठा करके लाते हो। यू आर अ ब्लेस्ड फादर। अरे हर वो बाप बाबरकत है अपने खानदान, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए जो उनकी तहफ्फुज़ का ख्याल रखता है और उन्हें जमा करके खुदा उनके हुज़ूर में लाता है, क्योंकि उससे ज्यादा महफूज जगह और इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। आमीन। ही वॉज अ प्रोवाइडर, ही वॉज अ प्रोटेक्टर, और तीसरी बात, ही वॉज अ प्रमोटर। अरे ये प्रमोट करने वाली शख्सियत थी, ये अपने औलाद पर ट्रस्ट करता था, ये अपनी औलाद पर डिपेंड करता था। ये सारी कश्ती इसने अकेले में नहीं बनाई, इसके बच्चे इसके साथ थे। ये अपने बच्चों को जिम्मेदारी से काम देता था कि सन बेटा आप ये करो, यफ बेटा आप ये करो, हाम बेटा आप ये करो। ये
डालता था और जिम्मेदारी उसी के कंधे पे डाली जाती है जिस पे ट्रस्ट किया जाए, जिस पे भरोसा होता है उसी को प्रमोट भी किया जाता है। ही वाज अ प्रमोटर। अरे अपनी औलाद पे ट्रस्ट करता था, उनको प्रमोट करता था, उन्हें चांस देता था, उन्हें मौका देता था, उनको इनकरेज करता था, उनको आगे लाता था। और बड़ा जरूरी है एक बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करे, उनको प्रमोट करे, उन पे ट्रस्ट करे। आज बेटों के अंदर और बाप के बीच में बहुत बड़ा गैप इसी सबब से है कि बच्चों को बाप की तरफ से इंकरेजमेंट नहीं मिल पाती। अरे बाप बच्चों को प्रमोट नहीं करता, बाप बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करता। यही सबब है कि औलाद में और वालदैन में एक बड़ा खिलाफ पैदा होता चला जाता है। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। बहसियत बाप ये बड़ा जरूरी है कि अपने बच्चों पर ट्रस्ट कीजिए, उन्हें प्रमोट कीजिए। ये दुनिया ना तो इनकरेज करेगी ना आपके बच्चों को प्रमोट करेगी। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये बच्चे दुनिया से हारे हुए, थके हुए, टूटे हुए घर वापस लौटे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें इनकरेज कीजिए, उन्हें तसल्ली दीजिए। कोई उनके साथ शाना बशाना खड़ा हो या ना हो, लेकिन जब बाप अपनी औलाद के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता है, दे गेट इनकरेज्ड। अरे वो दलेर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन के सेम हाम और याफ्त, अरे वो अपने बाप को सलूट करते, ऑनर करते, इज्जत देते, क्योंकि उनका बाप अपने औलाद पर ट्रस्ट करता था और उनको हर मैटर में प्रमोट करता था और उनको आगे आने का मौका देता था। What kind of father you are? और what kind of child you are? अगर आपके अंदर और बाप के बीच में, औलाद और बाप के बीच में गैप है, तो कहीं ये गैप इस वजह से नहीं कि शायद बच्चों ने बाप की तरफ से कभी इंकरेजमेंट फील ना की हो, कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि बाप ने कभी बच्चों को प्रमोट ना किया हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन बातों पे गौर करना बड़ा जरूरी है। मिलिए इस शख्स से। He was a man of God। ये सिर्फ man of God नहीं था, He was a family man। अरे ये शख्स खानदान रखता था, लेकिन ये एक ऐसा करैक्टर साबित हुआ जहां पर इसकी वाइफ इसको ऑनर देती, रिस्पेक्ट करती, बच्चे इसकी ताबेदारी करते, क्योंकि इनका बाप आसमानी बाप की ताबेदारी करता था। और इसने ऐसा करके अपनी औलाद के सामने एक जबरदस्त नमूना पेश कर दिया। बाप करैक्टर ही ऐसा है जो औलाद के सामने एक नमूना पेश कर दे, एक मिसाल कायम कर दे। बहसियत बाप, आज आप अपनी औलाद के सामने क्या नमूना कायम कर रहे हो? अगर आज आप खुदावंद के साथ चलते हुए बच्चों को दिखाई दोगे, अरे कल को वो भी खुदावंद के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। अगर आज आप अपने बच्चों को घुटनों के बल होते हुए दुआ करते हुए दिखाई दोगे, तो कल को आपके बच्चे दुनिया को खुदावंद के हजूर में झुककर दुआ करते हुए दिखाई देंगे। What kind of father you are? अरे आपका तौर तरीका कैसा है, आपका तर्ज जिंदगी कैसा है? क्योंकि एक बाप का लाइफस्टाइल फैमिली के ऊपर असर अंदाज होता है। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें ऐसे खुदादर्श, खुदावंद के खौफ में रहने वाले बाप मुहैया किए। ओ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा चला दिया आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद जो आपने हमें अता किया। अब आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके हुजूर में झुक जाते, आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद। और तमाम जानें जो इस आवाज को सुनती है, अपने कलाम के वसीला से खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, बड़ी तकबीर दीजिए और मजबूत कीजिए। और वो जो खुदावंद साहिब औलाद है, खुदावंद यीशु जी मिन्नत करते हैं कि बाप होने के नाते अपने कलाम के वसीला से उन्हें तकबीर दीजिए और इस लायक बनाइए कि अपनी जिंदगियां वो आपके खौफ में रह के गुजारे, आपके साथ चलना सीखे, आपके ताबेदारी में रहे, ताकि अपने बच्चों के सामने, अपनी औलाद के सामने, अपने खानदान में एक जबरदस्त खुदावंद के खौफ में रहने वाले बाप की हैसियत से मिसाल कायम करें। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए और बड़ी बरकत दीजिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।